शांति। आज है 6 जून 2024 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर है, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख कर बाप खुश होते हैं, उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार मालिक कहे जाएंगे। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं, यहाँ तुम बागवान पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, वह है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना? देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, यह तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म के फूल हैं। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपया पेमेंट होती, कोई की 1000, कोई की 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं, वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बना देते हैं, अच्छे अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा, एक है बागवान, अब कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता, वह जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं, वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्होंने फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है, ओहो यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं, बच्चे जानते हैं। रावण देह अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की नजर कामी रहती है, तो कोई की सेमी कामी नजर है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है, फिर घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, नजर गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा यह बहुत अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं यह फलाना फूल है, माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी नजर अच्छी
नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है, मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती हैं। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के, कोई अक के भी ले आते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं कि यह किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। यह तो जानते हो, कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। यह सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। यह भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है, फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है, नरसे नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं, हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद नहीं बनूंगा, ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, यहाँ बागवान पास रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती हैं, माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं, बागवान समझ आते हैं यह क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है, यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते हैं, इसलिए एक एक को देखते हैं। यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं व नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल बनेंगे कैसे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते हैं? बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर बनेंगे।
अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। 12 मास की बात नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट, वह एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधे से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं जो कहते हैं बाबा के पास जाए। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है, भल माली 2nd क्लास है। माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़फते हैं कि शिव बाबा के पास जाए। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती हैं तो भी कहती हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो, उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है, कल पुराना था ना। आज बाबा आए हैं बचाने के लिए, युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे भू भू करो, तुम हो भ्रमरियां, वह है कीड़ा, उन पर भू भू करते रहो। बोलो भगवान वाच, काम महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, ऐसा बनाने वाले पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है तुम तो जाओ, ऐसे द्रौपदियां पुकारती हैं। बाबा लिखते हैं भू भू करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको सुपनखा पूतना कहा जाता है। पुरुष उनको भू भू करते हैं, वह कीड़ा बन पड़ती हैं, विकार बिगर रह नहीं सकती। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्मपत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल ना सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे, सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह, कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है। राम को नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो यह एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़े ही बनना है। यह मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं, विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है, आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे यह सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती है। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालनी है। वरदान है स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव।
स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य, कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।